एक मित्र ने पूछा है, मैं सुबह शाम ध्यान करता हूँ तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं ध्यान में था? इस पर कृपया कुछ कहें। तुम ध्यान में थे, इसकी पहचान हमेशा तुम्हारी अकारण शांति और अकारण प्रसन्नता से ही तय होगी। और कोई भी चीज़ तुमको ये नहीं बताएगी कि तुम ध्यान में थे। ध्यान में थे तो तुम्हारे अंदर शांति उतरेगी और एक ऐसी प्रसन्नता उतरेगी जिसका कोई कारण नहीं है। इन दो बातों से इनको तुम कसौटी बनाकर चल सकते हो और इन दोनों चीज़ों की जितनी गहराई बढ़ती जाएगी उतना ही तुम समझ सकते हो कि ध्यान की गहराई बढ़ रही है, तुम्हारी शांति गहरी होती चली जाए, तुम्हारी प्रसन्नता गहरी होती चली जाए तो तुम समझो कि ध्यान में हो। इसके अलावा चाहे तुमको रंग दिखें, तुमको रोशनी दिखे, तुमको तरह तरह के अनुभव हों, उन सब की कोई भी वैलिडिटी नहीं है और ध्यान का इसके सिवा कोई भी और प्रमाण नहीं है। ध्यान में थे ये तुमको पूछना पड़ेगा कि कैसे पता चलेगा, तो इसी से तुम्हें सतर्क हो जाना चाहिए। तुमको प्यास लगी हो, तुमको पानी मिल जाए तो क्या तुम पूछोगे कि कैसे पता चलेगा कि जो मैंने पानी पिया था वो पिया था सचमुच, उसका परिणाम कैसे पता चलेगा? तुमको भूख लगी थी, तुमने खाना खाया, अब जो तुम्हारी भूख तृप्त हुई तो तुम कैसे प्रमाण ढूंढोगे उसका? मतलब कौन बताएगा तुमको? कोई उसका प्रूफ लाना पड़ेगा। इससे अलग हटकर अगर देखोगे, तुम उदास थे, तुम अवसाद से घिरे हुए थे, अचानक तुम्हारी उदासी हटी। अब जो तुम्हारी उदासी थी, अवसाद था, अगर वो गया और उसकी जगह पर शांति और प्रसन्नता उतरी, वो प्रमाण है। तुम किससे पूछोगे? तुम्हें ज़रूरत है पूछने की? भाई अगर कोई उदास व्यक्ति अचानक प्रसन्न हो जाए तो हो गया, अब वो कैसे पूछेगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि अब उदासी नहीं रही? नहीं रही। तो ध्यान घटना इसको लेकर जो लोगों ने उसको बड़े ही रॉन्गली मिस्टिफाई कर दिया है, वो गड़बड़ है। गलत तरीके से उसको लोगों ने प्रेजेंट कर दिया कि ध्यान का मतलब को तुम्हारे अंदर अलौकिक चीज़ें घटेंगी, उन अलौकिक बातों से तुमको पता चलना पड़ेगा, तुम्हारे तमाम शरीरों में, तुम्हारे तमाम चक्रों में कुछ गतिविधि होगी। अब तुमको तो पकड़ में भी नहीं आ रहा, शरीर पकड़ में नहीं आ रहा, तुम्हें कोई चक्र भी पकड़ में नहीं आ रहा, तुम्हारी कल्पना का हिस्सा वो हो सकते हैं। इसीलिए व्यक्ति अक्सर ढूंढता रहता है, टटोलता रहता है और लोगों से प्रमाण मांगने की कोशिश करता रहता है, और लोग तमाम ऐसे बैठे हुए हैं जो प्रमाणित करने का काम भी करते हैं। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वो स्वतः प्रमाणित है, उसका कोई प्रमाण कहीं नहीं ढूंढा जाता, ना कोई दे सकता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब ध्यान घटेगा तो तुमको पता चलेगा, नहीं घटेगा तुमको पता चलेगा। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है।